हेलो एवरीवन, मैं आपका हेल्थ एंड वेलनेस को सुनील तिवारी अपने चैनल हेल्थ एंड वेलनेस में स्वागत करता हूं। और एग्जैक्टली दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस समय जो वीडियो का सीरीज चल रहा है वो हैबिट्स के बारे में चल रहा है। पहला जो वीडियो मैं बनाया था वो फर्स्ट हैबिट के बारे में बनाया था, दैट इज कॉल्ड बी प्रोएक्टिव। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक देने वाला हूं। आप जाके पहले हैबिट के बारे में समझिए, देखिए और उसको अपने लाइफ में अप्लाई करके अपने लाइफ को बेहतर बनाइए। और अब मैं स्टार्ट करता हूं सेकंड हैबिट के बारे में। एंड सेकंड हैबिट है बिगिन विथ एंड इन माइंड, मतलब अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना। एग्जैक्टली जो सेकेंड हैबिट है वो आपके कल्पना यानी इमेजिनेशन पे आधारित होता है। अब एग्जैक्टली व्हाट इज मीन बाय इमेजिनेशन, इमेजिनेशन मतलब आपकी वो क्षमता जो आपके दिमाग में उन चीजों को बना सके जो आपकी आंखें अभी नहीं देख सकती। एक बार फिर से समझिएगा, इमेजिनेशन कल्पना मतलब आपकी वो क्षमता जो आपके दिमाग में उन चीजों को बना सके, आपके दिमाग में उन चीजों को दिखा सके जो आपकी आंखें अभी नहीं देख सकती। एग्जैक्टली ये हैबिट इस सिद्धांत पे आधारित है कि इस दुनिया में कोई भी चीज का निर्माण दो बार होता है। फर्स्ट मेंटल क्रिएशन, पहली बार किसी भी चीज का निर्माण मेंटली होता है तो उसको बोलते हैं मेंटल क्रिएशन। सेकेंड इज अ फिजिकल क्रिएशन, पहले हम किसी भी चीज का ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में तैयार करते हैं और उसको बाद फिजिकली हम उसको बनाते हैं। अगर मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, अगर हमें कोई घर बनाना होता है तो सबसे पहले हम उसका एक ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में तैयार करते हैं कि एग्जैक्टली घर कैसा होगा, उसका कलर कैसा होगा, एग्जैक्टली उसका एंट्रेंस कहां से होगा, उसमें कितने रूम होंगे, उसका ड्राइंग रूम कितना बड़ा होगा, ये सब चीज का एक ब्लूप्रिंट हम अपने माइंड में तैयार कर लेते हैं और उसके बाद उसको हम फिजिकली बनाते हैं। तो आपको क्या लगता है, एक बेहतर घर बनाने के लिए अगर हमें ब्लूप्रिंट की जरूरत है तो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे पास अपने लाइफ का एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए जिसपे मेंशन होंगे एग्जैक्टली हमें बनना क्या है, हमें कहां तक पहुंचना है, कितने टाइम में पहुंचना है। हमारे पास गोल होने चाहिए, हमारे एग्जैक्टली हम विजुलाइज करने चाहिए कि हम क्या बनना चाहते हैं। अगर आप विजुलाइज नहीं करेंगे, अगर आप इमेजिन नहीं करेंगे कि आपको क्या बनना है तो एग्जैक्टली आप क्या बनेंगे ये किस पे आधारित रहेगा, ये आपके लोगों पे आधारित रहेगा, आपके पड़ोसियों पे आधारित रहेगा, आपके फ्रेंड सर्कल और आपके परिवार वालों पे आधारित रहेगा। आप सभी लोग अपने आसपास में ये देखते भी होंगे और जहां तक मैं जानता हूं हम एग्जैक्टली हम वो नहीं बनते जो हम चाहते हैं, हम वो बनते हैं जो हमारे आसपास के लोग चाहते हैं। एग्जैक्टली तो अगर आप वो बनना चाहते हैं जो आप चाहते हैं तो स्टार्ट विजुलाइज, इमेजिन करना चालू कीजिए कि एग्जैक्टली आप कहां पहुंचना चाहते हैं, आप किस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, एग्जैक्टली आपके गोल्स क्या हैं और उसके हिसाब से आप डेली एक्शन लीजिए। और मैं आपको बता दूं, हैबिट टू को प्रैक्टिस में लाने का सबसे बढ़िया तरीका है अपना खुद का PMS तैयार करना है। एग्जैक्टली व्हाट इज मीन बाय PMS, पर्सनल मिशन स्टेटमेंट, पर्सनल मिशन स्टेटमेंट, अपना खुद का एक स्टेटमेंट बनाइए, दैट मींस अपने लाइफ का एक ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए। PMS आपको अपने सक्सेस के लिए की गई एक प्लानिंग है जिसमें आप डिसाइड करते हैं कि आप क्या पाना चाहते हैं, कब तक पाना चाहते हैं, कितने साल में पाना चाहते हैं, कौन सा ईयर होगा, उसके लिए क्या एक्शन लेंगे आप, ये सब चीजें आपका PMS डिसाइड करता है। आपका PMS आपको अपने लाइफ का सबसे बड़ा लीडर बनाता है। तो आप अगर चाहते हैं कि आप मास्टर हो विजुलाइज में, आप मास्टर हो इमेजिन करने में, तो आप अपना PMS तैयार कीजिए। एग्जैक्टली PMS तैयार करके एक्शन लेना चालू कीजिए, क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि आई एम इमेजिनेशन, आई एम इमेजिनेशन,
I can see what the eyes cannot see. I can hear what the ear cannot hear. And I can feel what the heart cannot feel. मैं कल्पना हूं, मैं वो सब चीज देख सकता हूं जो मेरी आंखें नहीं देख सकती, वो मैं सब सुन सकता हूं जो मेरे कान नहीं सुन सकते, और वो मैं सब फील कर सकता हूं जो मेरा हार्ट, मेरा दिल, मेरा हृदय नहीं फील कर सकता। एग्जैक्टली फील करना चालू कीजिए, विजुलाइज करना चालू कीजिए एग्जैक्टली आप चाहते क्या हैं। क्योंकि आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि हम वो सब चीज पा सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वो हम हर एक चीज सोच सकते हैं जो अब तक नहीं सोचा। तो मैं आपको बोलना यही चाहूंगा कि जितना बड़ा सोच सकते हैं आप उतना बड़ा सोचिए, लेकिन सोच के साथ साथ विजुलाइज करना चालू कीजिए कि आप कब जो आप सोच रहे हो कब पा रहे हो, कितने टाइम में पा रहे हो, क्या डेट होने वाला है उसका, एग्जैक्टली उस समय आपका क्या लाइफस्टाइल होगा, क्या लाइफ जी रहे होंगे आप, ये आप खुद सोचना चालू कीजिए। एंड बिलीव मी, जिस दिन आप विजुलाइज करना चालू कर दिए, जिस दिन आप अपने अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना चालू कर दिए, उसके हिसाब से एक्शन लेना चालू कर दिए, डेली बेसिस पे एग्जैक्टली काम करना चालू कीजिए कर दीजिए, तो आप दुनिया का कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकता आपका गोल पाने के लिए। तो आज का जो सेकंड हैबिट है वो यही है कि हर एक चीज का एंड जो रिजल्ट है उसको ध्यान में रखकर शुरुआत कीजिए और एक्शन लीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं यही बोलूंगा कि मेरा हेल्प कीजिए लोगों की जिंदगी थोड़ा बहुत बेहतर बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हैबिट के साथ। तब तक आपको ये दोनों हैबिट्स हैं उसको अच्छे से समझ के अपने लाइफ में अप्लाई करना होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।